गड़ा करके कब्र के से बना लिया, बना लेके आप यहाँ पर आप सो गए। अल्लाह तुम वो लोग तो हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस हैदराबादी ब्लॉग। सो दोस्तों आज मैं आया हूँ पहाड़ी शरीफ दरगाह जो शाहीन नगर पहाड़ी शरीफ लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पर दरगाह को आया था आज, तो ऐसे ही ब्लॉग भी बनाएंगे आप लोगों को ही बताऊँगा कि दरगाह पे यहाँ पर, तो देखेंगे इंशाल्लाह आप जितना हो सके वहाँ पर ऊपर बताने की कोशिश करूँगा और वहाँ पर दरगाह में ऊपर जो मुतवली रहते हैं उनसे ही बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर की पूरी डिटेल लेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग बने रहिए ऐसे ही, तो आगे बताऊँगा। सो दोस्तों ऊपर तो चढ़ते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दरगाह बहुत ही ऊपर है, बहुत पहाड़ पे है ये दरगाह। तकरीबन ये दरगाह की सीढ़ियाँ 360 सीढ़ियाँ हैं पूरे टोटली, हो 360 में थक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और ऊपर जाना है हम लोग को, वो पहाड़ पे जाना है। तो ये हैदराबाद सिटी देख सकते हैं, बाबा आराम ही कर रहे हैं साथ। तो ये देखेंगे हैदराबाद सिटी, बेहतरीन व्यू दिखता है यहाँ से। दरगाह के लिए खोलना तो लेना पड़ रहा, तो चलेंगे ऐसे ही ऊपर और भी बताऊंगा ऊपर। तो चढ़ते चढ़ते तो ये पहली कमान है पहाड़ी शरीफ की, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक करामत एक और है। दरगाह की इतनी ऊपर, यहाँ पर हमेशा पानी रहता है, बहुत ही ऊपर आया अभी तो। आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊपर है, वो देखिए। तो ये पानी जमने का भी पूछेंगे ये दरगाह। ओ भाई आखिरी सांस फूल रही, चलते चलते आ गए। देखो ये ऊपर नीचे से नीचे का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। अभी और थोड़ा ऊपर जाना है और तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ चुका है अभी तो। चैलेंज ये था 360 सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर तक आए तक बैठना ही नहीं, सीधा गंडी में ऊपर आना, तो वही था अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ऐसे ही आ गया हूँ डायरेक्टली। तो अंदर मुतवली रहते हैं उनसे बात करेंगे अभी आगे, बताऊँगा आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर दरगाह को, तो आ गया दरद भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो अभी यहाँ पर हमारे एक साहब मिले, यहाँ दरगाह के मुतवली साहब है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम साहब? मेरा नाम पीछे से इकबाल हुसैन। इकबाल साहब यहाँ पर दरगाह के मुतवली साहब है, तो इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर दरगाह के बारे में थोड़ा बहुत। तो साहब ये दरगाह के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री, जैसा कि यहाँ पर के दरगाह का बाबा शरफुद्दीन साहब जी दक्कन में पहले यहाँ पर आए थे आके। एक सेकंड, तो जी साहब फरमाइए जी। बाबा शरफुद्दीन इराक से तशरीफ़ लाए जी, दौलताबाद में है औरंगाबाद में रहे जी, वहाँ से हैदराबाद दक्कन में आए जी, आके यहाँ पर 40 दिन चिल्ला बैठे बाबा जी। चिल्ला बैठ के बाबा के पास दो शेर थे जी, आपकी खिदमत में थे दो शेर जी। वहाँ से बाबा साहब के साथ कुछ लोग भी आए थे जी, तो बाबा साहब की खिदमत करते थे वो लोग भी, और वो लोग जंगल में जाना लकड़ी कतरते थे। लकड़ी कतरते थे कतर के जी, कतर के फलक में ब्रिज है जी, फलक में हाँ, वहाँ पर बेच के बाबा कहने जो भी है अपना सौदा ले लेके यहाँ पर आके पकाते थे खिचड़ी कटा जी, पका के यहाँ पर बाबा कहने खिला खाते थे। खाने के बाद में फिर यहाँ से फिर बालापुर जाते थे, बालापुर में जहाँ से बाबा का संदल आता है सालाना। तो बालापुर से यहाँ पर दरगाह को संदल आता है, संदल आता है यहाँ पर हर साल साल आता जी। बाबा शरफुद्दीन ऐसी हुई, उसके बाद में बाबा शरफुद्दीन ये दरगाह शरीफ ये ऊंचे पहाड़ा थे, पहाड़ों पे आने के बाद में थोड़ी एक आपको कुछ ज़मीन दिखी जी, उसके पीछे कोई गार था जी। बाबा शरफुद्दीन आया आकर तो अपने अपने लोग को बोले कि आप
जाके कुछ खाने का इंतज़ाम करो बोल के जी। वो लोग गए, जाने के बाद में बाबा ऐसे यहाँ पर अपने हाथ से कुछ गड़ा करके खबर कर बना लिया, बना लेके आप यहाँ पर आप सो गए। तो वो लोग आए, आने के बाद मैंने कहा बाबा यहाँ कहाँ हैं, लेकिन देखिए आज देख के बोले अरे पहाड़ के पीछे है, तो बाबा हजरत सो रहे हैं। तो अंदर से कुछ दिल में आया कि इनकी मीठी डाल दो जी। तो पूरी मिट्टी से वो लोग बाबा को डाल लिया, डालने के अंदर शेर जो जंगल में थे वो शेर अब वो सुनते सुनते बाबा के पास यहाँ आए। हाँ आके ऐसे बाबा कहते एक एक शेर उधर ही था एक जंगल में से, एक बाबा एक तो पास खादिम खिदमत करने को आदम से सफाई करके बाबा कहने बैठता था जी। तो बालापुर से कुछ लोग आते थे, झपड़ा बजाना, बाबा कहने चिराग रोशन करना जी, और चले आते थे, यहाँ कोई टिकता नहीं था जी। तो आलमगीर बादशाह के दौर में वो जब शेर आया जी, आलमगीर बादशाह उसको देख के वो बंदूक खान जो आपके साथ गाड़ था वो देख के उसकी वो आती है भारत के आए तो भाग गया। हाँ हाँ भागने के आदमी जो आलमगीर बादशाह देखे कह रहे हैं शेर किधर से आया, जान दो भाई आलमगीर बादशाह आए आके ऐसे बाबा साहब से जवाब लिए जी, अस्सलाम वालेकुम या बाबा शरफुद्दीन, आवाज़ नहीं आई। फिर एक बार में फिर और एक बार आवाज़ दिए, तीन बार दिए, उसके बाद में मज़ूरों को बोले कि लगाओ सब, बोलते अंदर से आवाज़ आई कि वालेकुम सलाम या हुज्जत आलमगीर के हम तिलावत कुरान में थे इसलिए हम आपको आवाज़ नहीं दिए, बोलते फिर पूरे मज़ूरों को हटा दिए, हटाने के फिर जाए गया। तो ये पानी चश्मा था, चश्मे में ना पानी भी कुदरती है ना, कुदरती बाबा शरीफ की जो पूरे गुम्बद का पानी इसमें आता जी, वज़ वज़ बनाते हुए लोग। तो फिर उसके बाद निज़ाम आलमगीर बादशाह आने के आदमी निज़ाम सरकार ने उनके हाई मबली पाशाह बाबा बेटे आने के आदमी रोड एक कच्ची रोड थी आपको कंकर चुपा चुभने के बाद में निज़ाम सरकार में भी याद दिलाना जी। जब आप क्या करें पानी का इंतज़ाम करें, यहाँ से जलपली बल्कि एक बुग्गा है जलपली वहाँ से ऐसा पानी बाबा का याद किए। उसके बाद में सो ये मस्जिद तीन खानों की थी, छोटी थी, बाद में महबली पाशाह ये बड़ी बनाए, उसके सामने ऐसे ये शमियाना बनाए, तो लायक अली साहब बनाए जी जी। तो जैसा बादशाह बड़े बड़े जो लोग आते जिसका लेट नहीं थी उस्मानी पाशाह लेट कर दिया, उस्मानी पाशाह लेट बना उसे वैसे उस बादशाह तो हल बनाते बनाते बाबा शेख। तो हम लोग हमारा बाप दादा के ज़माने से हम लोग ये खिदमत करते आ रहे हैं जी जी। बाबा शेखुद्दीन जब आए तो जब कुछ भी नहीं था, जंगल झाड़ी थी, बाबा के जब मज़ार पर जब आते गए लोग आने के आते जो भी आपको बोलते गए वो था फैज होते का। अभी एक दो आते 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 सुने बाबा कहने वो आलम मंगा के बहुत ज़माने से लोग होगा बंडियों में टांगों में आना चालू करे। अब उसके बाद में ऐसे बाबा से जब उर्स होता तो ये अपने इंजन बोलिए वहाँ से दुकान लगते आते थे कहते दौर में हैदराबाद, जबकि 757 साल होगा आगे उस ज़माने से बाबा कहते। उस ज़माने में ठहरने को जगह नहीं थी, कुछ नहीं, बंडियाँ नियाजा तो बेहसाब आते थे, बेहसाब बहुत थोड़ा कम हो गया। बाद में ये सब दरगाह जाएंगे पीएंगे दरगाह है, बाबा शरफुद्दीन तो मेरे बचपन से तो मैं देखता हूँ बाप दादा हमारे ये खिदमत करते हैं। ये जहांगीरपुरा दरगाह पहले नहीं नहीं थी पहले, मगर बहुत कम में कम थे, जब लोग बहुत कम आते थे, कम आते थे। बाबा शरफुद्दीन दरगाह बहुत आते थे बहुत पहले से, बंडियों में टांगों में सब आते थे। अब ये निज़ाम सरकारी ये बिछाए बाद में शमियाना भी सामने थे, पहले जो लाया खलीफ साहब थे जनरेटर था उनका जी, तो चलाते थे धीरे भी लेट आती थी जब बारिक थी लेट, तो बाद में ऐसा ये निज़ाम सरकार लेट लेके आप तो जंगल था वहाँ पूरा जंगलों का था जी जी। तो हर तक आप देखता हूँ ना मस्जिद तीन खाने की रहती, तीन खाने की, चार खाने की तो बाद में बनाए, ये बाद में बनाए महबली पाशाह के दौर में बनी ये दरगाह। मस्जिद सॉरी मस्जिद का हिस्सा लिखा हुआ है आपको देखो सामने लिखा हुआ है ना महबली पाशाह बने सामने लिखा है। अच्छा उस्मान अली खान बादशाह बनाया था ये। तो ये दरगाह को पूरा पेंट टू पेंट चल रहा है अभी, अभी जो ये जितने भी लोग सरकार के पास आते हैं सब लोग इतने काम कराते हैं। अच्छा सरकार के पास जो भी किसी के भी हमारे कराते हैं, हम लोग भी पैसा डालते हैं उसमें। अच्छा लिख के कोई बोर्ड वाले अब हम लोग डाल लेके पूरा जी। तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर कब से? मैं बाप दादा नस्लन नस्लन से चलती आ रही है मेरी जी। बस क्या क्या है मेरा नाम सैयद अकबाल हुसैन है जी। ये दरगाह कितनी ऊपर होंगी है आपको? ये पहाड़ जो पहाड़ थे ना पहाड़ों थे पहले पहाड़ों पे से ऊंचा करके अलग अलग बड़ा है। अब ये जो पीछे पहाड़ है गार है, गार के पीछे बाबा की मज़ार है। अच्छा अच्छा तो नीचे की हाल है नियाज खाना है, वहाँ बैठ के लोग खाना ना खाते हैं, तो बाद में से पहाड़ें चाहिए जहाँ बाबा जो है वहाँ पर मिट्टी है जी जी। बाबा सरकार जो है वहाँ पर मिट्टी है,
बाकी सब पहाड़ें चट्टाने से पूरे पहाड़ी शरीफ नाम ही पहाड़ी शरीफ पहाड़ी शरीफ बहुत फेमस है। पहाड़ी शरीफ बोले तो बहुत लोग पहाड़ी शरीफ के नाम से आते हैं। यहाँ पर भी नियाज करते हैं बहुत लोग, बहुत नियाज करते हैं, बहुत नियाज आते हैं। अब ज़रा कम हो गए लोग, अभी कम हो, क्योंकि अभी थोड़े बहुत थोड़े अकीदे लोग ज़रा बाहर जाए, पहले बाहर का नहीं था, बाद में बाहर का होते होते लोगों को कम होते गए। पहले बाहर का नहीं था, आज से 40 साल पहले बाबा साहब कहने बहुत भी कसरत से लोग आते थे, बहुत कसरत। हम तो पैरों में से घुस के जाते थे लोगों के, जगह नहीं मिली तो उसे ये चूड़ियों पे से जी जी। चल 8 दिन तक तो वो रस रहता था, घर घर में एक एक नियाज थे, हर घर में नियाज था, और पानी तो 24 घंटे रहता था। यहाँ जी जी से कमान के बाहर जो बालन चौधरी कमान है, जो बसांग उसे बालन चौधरी की कमान है, वहाँ के बाहर भी नल था, बहुत नल आते हैं। बाद में जो आबादियाँ होते गए तो कम होते गया, पानी वानी सब तकलीफ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकबाल साहब जी, अकबाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ दरगाह का जितना भी पूरा डिटेल था भाई ने बोला, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते रहेंगे जी। अच्छा, तो तो दोस्तों यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है पीछे, यहाँ पर भी नीचे एक दो दरगाह है, तो वो ही बताएंगे आप लोगों को। देखो यहाँ पर से पहाड़ आपको बताता हूँ, ये देखिए पूरा ये टोटली पहाड़ है। पहाड़ के नीचे से पूरा रास्ता है, तो और भी देखेंगे नीचे। ये है पीछे का व्यू, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी दरगाह है पीछे साइड, वहाँ पर एक दरगाह है। ये पूरे खबरा हैं जाके जो भी मुतवलियाँ जो रहते हैं उन लोगों की मज़ारें हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये दरगाह के बैक साइड का व्यू है, और वो जो स्टेड आपको लो लग रहा है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तेलंगाना का बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। और यह पीछे का व्यू देख सकते हैं, और बेहतरीन एक और आपको अजूबा बताता हूँ, ये है एक अजूबा। तो देख सकते हैं आप लोग यह पहाड़ सिर्फ़ और सिर्फ एक दो पत्थर पर ही टिके हुआ है। नीचे वो जो एक पत्थर दिख रहा है वो पत्थर के ऊपर ही टिके हुआ है। तो देख सकते हैं आप ये नीचे इतना टड़ा ढाल है, और ये पीछे का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सो तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक और हमारे आशिक माशूका के दिल के साथ एफ लिखे दरगाह का भी ख्याल नहीं रखते हुए, अब ऐसे लोग को और क्या बोलेंगे। तो वहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लिखे वो एस और ए, और उसके बीच में दिल। और एक एक बताता हूँ, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पर एक पेड़ है,
पेड़ के ऊपर भी यहाँ पर लिखा है हासिम 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 लिखा है। तो रिकवर भी देखिए आप यहाँ दिल दरगाह को आया हूँ और वजू प्रेमी हूँ तो इसलिए कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। और ये जो लिखे है फरा बहुत ही बड़े आशिक दिख रहे हैं मेरे को, आज इनके ऊपर ही पूरा वीडियो बनता जैसा लग रहा है मेरे को। देखो भाई फरा मुबीन पूरे पहाड़ के ऊपर लिख दिया उन्होंने तो फरा मुबीन, ऊपर हेलीकॉप्टर से भी गए तो दिखना उनको कैसा भी। देखो आप सामने से बताता हूँ, ये देखिए फरा मुबीन साहब आपसे अदबन गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर आएंगे तो प्लीज़ ये हरकत मत करें, आपको इतनी ही मोहब्बत है तो आप अपने घर में लिखिए, यहाँ पर इधर उधर आकर ऐसा ख़राब मत करो। आप लोगों से भी गुजारिश है, और ये जो लिखते वक्त में जो लोग देखते हैं वो लोग भी देखकर रोकते नहीं, वही अफसोस है एक। तो आगे देखेंगे ऐसे ही, आप लोग देख सकते हैं पीछे का नज़ारा है, ये दरगाह का व्यू है पीछे का। सो दोस्तों अभी फाइनली दरगाह का ज़्यारत भी हो चुकी है, दरगाह की पूरा डिटेल भी ले चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए अभी नीचे चल रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह को आज आके अच्छा दिखा। और ये दरगाह का अपना करामती पानी है, ये भी एक बहुत ही इतनी ऊपर पहाड़ पर पानी यहाँ पर एवरी टाइम यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को कंपलसरी यहाँ पर पानी कैसा भी दिखता है हुआ, कम ज़्यादा होते रहता है पर एवरी टाइम तो यहाँ पर आपको कैसा भी पानी रहता है। तो नहीं रही है नीचे जाते रहेंगे, नीचे का भी ऐसे व्यू बताते रहूँगा आप लोगों को, देखिए ऐसे। तो अभी नीचे उतर रहे हैं हम लोग, ये दरगाह का नीचे का व्यू है, नीचे जाने हैं सीढ़ियाँ तो ज़बरदस्त, जाते वक्त में तो कुछ भी नहीं दिखता, आते वक्त में जो दिखता उतरने के टाइम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो दिखा दरगाह को इधर आके, बहुत दिन के बाद आया हूँ मैं भी तो इंशाल्लाह ऐसे नीचे देखिए। दोस्तों फाइनली दरगाह का पूरा टोटली ब्लॉग हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अच्छा दिखाऊँगा, अच्छा दिखा तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट दरगाह का कौन सा ब्लॉग देखना चाहेंगे आप लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छा दिखाऊंगा, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ऐसे ही देखते रहिए शागा ब्लॉग।